तो राम राम जी, और कल के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिखाया था, एंड आई होप कि कंसर्न लोगों तक वो वीडियो पहुंच भी गई हो, बिकॉज एक बार तो जो कॉल आया था बट देन फिर उसके बाद मिल नहीं पाया। खैर गाइज, अब मैं ये बोलता हूँ आप लोगों से कि कल जो मैंने छोड़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कहीं मेरे भाई सोचते हैं कि गाड़ी बहुत सस्ती होती है मारुति की, ये वो ये वो। आज मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में, और मारुति लेने के प्लान कर रहे हो भाई तो मत लीजिएगा, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो नीचे राम राम लिख दो। कल 300 कमेंट कुछ आए थे, इतना दिल खुशी हुई ना भाई, तो सभी मेरे भाइयों को राम राम, दिल से राम राम भाई। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आपको, आपके मम्मी पापा को, भाई को, बहन को, सबको भाई मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो हैप्पी दिवाली भी आप लोगों को। खैर गाइस, देखो आज मेरा प्लान था कि कुछ और वीडियो लाने का, बिकॉज गाड़ी में इतने सारे काम हो रखे हैं, वो सब कराना था मैंने, और घर भी आप पीछे देखो एकदम बढ़िया सज रहा है ना से, तो दिखा दूंगा वो भी, तो खैर बाद में पहले दिखाई देता हूं एक काम में देरी किसी से। ये ना मैं एक लाइट लेके आया था ऐसे, अभी तो बहुत इनकम्प्लीट लाइट है, मेरे को सजाना है और थोड़ा सा। ये देखो लाइट पड़ोसी के जो घर है उसको भी पूरा सजाने लग रही है ऐसे ना, तो ये लाइट मेरे को बेसिकली दो पीस लेके आते, क्यों था मेरे को ऊपर भी लगाना था, फिर उसके बाद जो पूरा घर सज जाता एकदम। अगर तीसरी मंजिल तक दिखाऊं, वहां तक आपको दिख रहा होगा, तो उधर तो रोशनी नहीं है वहां पे तीसरी मंजिल पे, तो तीन लाइट पड़ती पर दो लाइट में भी जो काम सज जाता, बट हाँ ये ठीक है। लाइट देखो मेरी, देखो ये यहाँ से लाइट है जो प्रोजेक्टर फेंक रही है, और ये छोटे छोटे बच्चे बाहर हैं सारे। खैर ऐसा कुछ लग रहा है भाई, घर हैप्पी दिवाली आप लोगों को, और मतलब एक कलर पे भी सेट हो जाएगा, बट ठीक है बढ़िया लग। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि मारुति की गाड़ी की सर्विसिंग सस्ती होती है नहीं होती। भाई पहले तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इन लोगों ने मेरी बोकी बिठा दी गाड़ी की, कल वाले एपिसोड में नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा भाई, बोकी बिठा दी। अब आ जाता है भाई अपने पास यहाँ पे बिल, और ये बिल है मेरी सर्विसिंग का, मैं बताता हूँ आपको। लेट्स अज्यूम 20,000 वाली सर्विसिंग का है, ठीक है, तो भाई ये 20,000 किलोमीटर वाली सर्विसिंग का बिल मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्ड तो यूं ही कंपनी इंडिया छोड़ के चलेगी भाई, मारुति ने असली ठग रखा है लोगों को। देखो भाई, गाड़ी इनके इंजन अच्छे हैं एक चीज मैंने मान ली, दूसरी चीज लुक्स में भी स्विफ्ट ठीक है, बलिनो ठीक है, स्क्रॉस ठीक है, सियाज ठीक है, ब्रेजा ठीक है, उसके अलावा मैं कोई मिस कर गया हूँ तो आई डोंट नो, बट हाँ और कोई गाड़ी ऐसी इनके पास खास है नहीं। सिलेरियो भी जो भी लॉन्च करी वो भद्दी सी लॉन्च करी है। खैर बस अब छोड़ते भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल बिल, पहले एक बार नंबर छुपा लेता हूँ, नहीं कहीं आप मेरे भाई हो, मेरे से बहुत प्यार दिखा दोगे और आप लोग जो है मेरे को डायरेक्ट कॉल कर दोगे, तो पहले गैस करके बताओ। देखो आप लोगों को कसम है भाई, यहाँ तक आप लोग मेरे को गैस करके बताओगे बिल कितना हुआ होगा। अभी एक बार ऐसे ऐसे कान बंद करके, आंख बंद करके लिख दो, मतलब ऐसे नहीं बस ऐसे गैस करके बता दो भाई, हर्ष भाई बिल इतना होगा, एक बार नीचे लिख दो भाई सारे भाई है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको बिल कितना है। तो भाई पूरी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ से मिटाने में, इधर से जो है मैंने चाबी से रेत दिया पूरा। खैर गाइस, अब बात आती है भाई बिल कितना है, तो एक बार लाइट ऑन कर लेता हूँ फिर दिखाता। तो भाई हमें से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मारुति की गाड़ियाँ केवल इसलिए लेते होंगे कि भाई गाड़ी जो है भाई वो सस्ती सर्विस होती होगी, या फिर मारुति के आज तक यही बोलते हैं सस्ती सर्विस है, तो भाई सस्ती सर्विस देख लो आप, 10,608 रुपये, ठीक है, 10,608 में यहाँ पे आप लगा लो ये क्या क्या दे रखा है, आपका नेट बेल्ट अमाउंट है कुछ, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है ये, और लेबर चार्ज है 5,600 रुपये, ठीक है, लेबर चार्ज होते हैं 5,600 रुपये, और टैक्सेबल अमाउंट भी आपका 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये की लेबर लगाई है इनने। ऊपर जो जॉब है यहाँ पे डिमांड रिपेयर से, चार इंजेक्टर क्लीनिंग मैंने डिमांड करी नहीं कभी भी, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग ये भी नहीं करी इसका, चलो ये सब छोड़ो भाई, लेबर चार्जेस सारे आपका आगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मारुति में आप देते हो तो आपको पार्ट्स हैं 5,000 रुपये के, और अपना जो लेबर चार्ज है वो ज़्यादा है, मतलब चलो ये सब भी छोड़ देते हैं भाई। अब आ जाते हैं मेन चीज़ की, क्या क्या चीज़ें हैं मैंने इनसे बोली थी। तो देखो सबसे पहले जो भाइयों ने गैसकेट बदला, देन क्लिप बदली, देन क्लिप रियर पिलर ट्रिम बदला, एंड रेट वेट यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद कवर इंजन अंडर साइड ये मैंने चीज़ बोली थी, फिर लाइनिंग चलो ये भी मैंने बोली थी, उसके बाद आ जाती है मोल्डिंग, डोर गार्ड मैंने कभी भी नहीं बोले थे इनसे, डोर गार्ड बेफालतू में लगा दिए, डिस्टिल वाटर जो 28 रुपए लिए हैं इसके, ब्रेक फ्लूड लिए 305 रुपए, ठीक है, कूलेंट है आपका 233 रुपए का, और इंजेक्टर है 144 रुपए का, और MGP रस्ट स्मैश 80 रुपए का, और इंटीरियर कवर जो है आपके आ जाते हैं केवल 26 रुपए, ठीक है। इंजन ऑयल का बिल मुझे नहीं पता, बिल मेरे पास सिर्फ इतना ही आया था, इंजन ऑयल का बिल कहाँ पे है इसमें, क्या अमाउंट का इंजन ऑयल डाला होगा इन लोगों ने, कुछ नहीं पता, यहाँ से आप देख सकते हो। ये दो ही बिल की मेरे पास कॉपी आई है, इसमें भी नहीं लिखा कहीं पे भी, अगर यहाँ पे होगा मेरे से गलती हो जाएगी भाई। तो भाई देखो यहाँ पे कहीं ना ही इंजन ऑयल का प्राइस लिखा है, कौन सा इंजन ऑयल डाला है, क्या डाला है, एंड और भी चीज़ होगी नहीं, तो टोटल ये सब है भाई, कैलकुलेट करके आप खुद देख लो कि कितने कुछ रुपये बने होंगे। तो इनके हिसाब से भाइयों ने भाई 5,000 बिठा दिए, 5,004 रुपये ही बैठे अपने, और 10,608 रुपये का ये, ठीक है। तो भाई इतना सब 10,000 रुपये मैंने दिए, 10,000 रुपये मैंने फूंक दिए, मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये मैंने फूंक दिए, मैंने दिए भी क्या 10,608 रुपये एक स्विफ्ट गाड़ी के, मतलब यूँ ना सोच रहे हो आप कि भाई ऐसे मत सोच रहे हो कि भाई बहुत महंगी गाड़ी की सर्विसिंग हुई होगी, एक स्विफ्ट अपनी ये स्विफ्ट है, इसकी सर्विसिंग के 10,608 रुपये मैं मारुति में भेंट चढ़ा के आया हूँ कि भाई हाँ ले लो भाई। मैं बोलता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों से सुना है कि वो बोलते हैं फॉर्च्यूनर की भी सर्विसिंग है सस्ती हो जाती है, 5,000 में 7,000 रुपये में फॉर्च्यूनर की सर्विस हो जाती है।
भाई ये तो फिर रात ही पाल लिया मैंने, मतलब एक तो देखो भाई अपनी गाड़ी भी दो मारुति में, ठीक है, यहाँ से मैंने नुकसान भी करवाया इसमें, उधर चीजें हटवाई यहाँ पे चीजें हटवाई, उसके बाद जो है दिक्कत भी आ रही है। और भाई इतना ही नहीं, अगर मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ ना, मैं पीछे कर नहीं सकता यार, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे पीछे अगर बैठे हुए दिखा कर नहीं सकता, पर जो मेरी गाड़ी पीछे कर रहा हूँ ना, सुन जारी इनमें ब्रेक ऑयल ब्रेक ऑयल कहाँ का ब्रेक ऑयल, अगर तुम मेरी दिक्कत है वही ठीक नहीं कर रहा हो। तो भाई मारुति ने बना लिया धंधा, धंधा ये बनाया इन लोगों ने कि अगर आप जो है अपनी गाड़ी को मारुति से खरीदते हो और सर्विसिंग कराते हो, तो भाई 10,608 रुपये में आपकी एक सस्ती सी जो गाड़ी है उसकी सर्विसिंग ये लोग करके देंगे, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कौन अलका है क्या तू? हाँ। मेरे को एक चीज बता अलका, हाँ भाई, मारुति की गाड़ी के बारे में क्या बोला जाता है? भाई टीन का डब्बा बोलते हैं। अरे टीन का हेटर्स नहीं वो तो चल ठीक है, पर वैसे क्यों लेनी चाहिए मारुति गाड़ी? टीन का देख तो मारुति गाड़ी तो ठीक है, बट लेनी क्यों चाहिए भाई? अच्छी गाड़ी होती है और ऐसा सुना हो गाँव वाले, मुझे इसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब एवरग्रीन लुक्स हैं इनके। सर्विसिंग के लिए क्या बोला जाता है? सर्विसिंग सबसे बेस्ट बताई जाती है। सस्ती होती है महंगी? सस्ती होती है। अच्छा इसकी कितनी हुई होगी सर्विसिंग अभी? भाई मुझे आईडिया नहीं है। 10,608 रुपए तो ठीक है, ज्यादा महंगी है तो आईडिया ही नहीं भाई। टोयोटा फॉर्च्यूनर की 7,000 में होती है। अरे यार बहुत एक्सपेंसिव, इतनी छोटी सी कार की 10,000। फॉर्च्यूनर की 7,000 और बलिनो के भी महंगी होती है, मतलब बलिनो की महंगी। और चल ठीक है, पार्ट्स कितने के लगेंगे इसमें? 5,000 रुपए के पार्ट्स लगे हैं, इंजन ऑयल बदला गया, ये बदला गया, ठीक है। लेबर कितनी होगी? लेबर मैक्स टू मैक्स 2 या 1.5 या 5,600 रुपए लेबर है। 5,000 भाई मुझे लेबर बना लो प्लीज भाई, मैं अनएम्प्लॉयड हूं। तो भाई कैन सी कि भाई इतना ज्यादा लूट मचा रखी है, मतलब मारुति की गाड़ी कोई क्यों लेता है कि भी सर्विसिंग सस्ती होगी, ये सस्ता होगा, घंटा सस्ता है इसका। और जबकि गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं थी मेरी, इस गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत से मेरा मतलब ये कि भाई बहुत बड़ा डैमेज हो, मिसिंग मार रही हो गाड़ी, मैं जब दूँ उनको, उन लोगों ने तो बोके बिठा के दे दी, मैं जब दूँ कि भाई ये हो रहा हो रहा है, सच कुछ भी नहीं था। तो भाई ये अंदाज़ा खुद लगा लो आप लोग कि अगर आप लोगों को लेनी है मारुति की गाड़ी, ये छोटे छोटे बच्चे भोंक रहे हैं इनमें, तो भाई अगर आप लोगों को लेनी है मारुति की गाड़ी तो यू गाइस कैन टेक, और नहीं लेनी तो आप लोगों के हाथ में। बाकी थर्ड वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम लोग केस क्या कर रहे हैं उन पे, और जैसा भी होगा। तो भाई कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा। जितने मेरे भाई मारुति लेने की प्लान कर रहे हैं भाई देख लेना, बिल्ड क्वालिटी ऐसी खास नहीं है, इंजन एक अच्छे हैं पर इंजन पे भी 10,000 रुपये का जो है बिल बिठाया जाएगा। कुछ हुआ नहीं आपके सामने, बिल मैंने सारा का सारा दिखा दिया, तो डिफेम नहीं कर रहा, बता रहा हूँ सच्चाई इसकी कि भाई कंपनी की सच्चाई क्या है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं मारुति की बुराई नहीं करता, पर मैं सच के साथ हूँ हमेशा, ठीक है। भाई आज की वीडियो में इतना ही था, राम राम लिख दीजिएगा नीचे, मिलेंगे ऐसे, बाय और धन्यवाद।